हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं CSS यूनिट्स के बारे में। तो काफी बेसिक सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये टॉपिक? ओके, तो जब भी हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं तो हम वेब पेज में डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज करते हैं। उन डिफरेंट एलिमेंट्स में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, जैसे कि विड्थ हो गई हमारे पास, मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, बॉर्डर हो गया। ओके, अब ये जो प्रॉपर्टीज है, कई बार हमें इन प्रॉपर्टीज में लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है। ओके, तो लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट क्या है, CSS यूनिट्स हैं। जैसे कि पिक्सल के थ्रू हम लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, परसेंटेज के थ्रू हम लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है हमारे पास, CSS यूनिट्स। ओके, और ये जो हम पिक्सल का यूज करते हैं और परसेंटेज का यूज करते हैं, पिक्सल और परसेंटेज दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं, लेकिन आती ये दोनों किसके अंदर है, CSS यूनिट्स के अंदर आती हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना जरूरी है। और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास CSS के अंदर। ओके, अब इनका पता होना क्यों जरूरी है? ओके, अगर आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, ओके, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स अगर आपको क्रिएट करनी है तो इन यूनिट्स के बारे में पता होना जरूरी है आपको। ओके, तो इसलिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझेंगे तो आप समझ जाएंगे हमेशा के लिए इस टॉपिक को। ओके, और प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं होगी आपको। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना CSS यूनिट्स के बारे में। उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे इस चीज को। ओके, तो स्टार्ट करता हूं अब। तो CSS यूनिट्स, ओके, तो यहाँ पे CSS यूनिट्स होती क्या है? CSS हैज सेवरल डिफरेंट यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग लेंथ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सेवरल क्या है, यूनिट्स हैं CSS के अंदर। ओके, तो लेंथ को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, CSS यूनिट्स। ओके, मैनी CSS प्रॉपर्टीज टेक लेंथ वैल्यूज सच एज विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज, बॉर्डर विड्थ, एक्सेट्रा। ओके, अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं CSS के अंदर, जैसे कि विड्थ हो गई, मार्जिन हो गई, पैडिंग हो गई, फॉन्ट साइज हो गई, जिनको जरूरत पड़ती है किस चीज़ की, लेंथ की जरूरत पड़ती है। और लेंथ हम किसके थ्रू एक्सप्रेस करवाते हैं, CSS यूनिट्स के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे तीसरी लाइन है, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंथ यूनिट्स। हमारे पास टू टाइप्स की जो है CSS यूनिट्स आती हैं। ओके, एक है एब्सोल्यूट एंड दूसरी है रिलेटिव। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे एब्सोल्यूट के बारे में। ओके, एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होती हैं? ओके, इसके बारे में जान लेते हैं। द एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स आर फिक्स्ड एंड अ लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मैनी ऑफ दीज विल अपीयर्स एज एग्जैक्टली दैट सेम साइज। ओके, इस लाइन का बहुत सिंपल सा मतलब है, जो एब्सोल्यूट लेंथ्स होती हैं, जो एब्सोल्यूट यूनिट्स होती हैं, ओके, अगर आपने उसको साइज दे दिया 20, तो हमेशा वो जो एलिमेंट है 20 साइज लेगा, चाहे आपकी स्क्रीन का साइज कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो, वो एलिमेंट हमेशा ही 20 साइज लेगा ही लेगा आपके वेब पेज के अंदर। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पिक्सल यूज करते हो, ओके, पिक्सल का यूज करते हो, पिक्सल की मदद से आप किसी फॉन्ट साइज को बड़ा करते हो, उसको आप देते हो 100 पिक्सल, तो आप कभी अपनी स्क्रीन का साइज छोटा करके देखना, आप देखोगे कि जो आपका फॉन्ट है, चाहे आपकी स्क्रीन का साइज छोटा क्यों ना हो जाए, वो हमेशा उतना ही एरिया वहाँ पे कवर करेगा, हमेशा उतना ही एरिया लेगा आपके वेब पेज में जितना आपने डिफाइन किया है कोड में, यानी कि 200 पिक्सल। और यहाँ पे हमारे पास बहुत डिफरेंट एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं। ओके, आप पिक्सल की जगह सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हो, mm का यूज़ कर सकते हो मतलब मिलीमीटर, px का यूज़ आप कर सकते हो यानी कि पिक्सल, pt का यूज़ कर सकते हो, pc का यूज़ कर सकते हो आप। ओके, तो ये सारी क्या है हमारे पास, डिफरेंट एब्सोल्यूट यूनिट्स। ओके, और ये जो है डाटा मैंने W3School से लिया है। आप W3School की वेबसाइट को चेक कर सकते हो, वहाँ पे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से। ओके, और नेक्स्ट चीज़ है रिलेटिव यूनिट्स। अब एब्सोल्यूट यूनिट्स जो हैं वो फिक्स होती हैं। ओके, हमें पता लग गया कि एब्सोल्यूट यूनिट्स जो हैं वो फिक्स होती हैं हमेशा। अब रिलेटिव यूनिट्स क्या होंगी? तो रिलेटिव यूनिट्स उसकी अपोजिट होंगी। यहाँ पे लिखा है रिलेटिव लेंथ यूनिट्स स्पेसिफाई अ लेंथ relative to another length property. Relative length units scales better between different rendering mediums. Okay, इसका मतलब सिंपली अगर मैं इसका मतलब समझाऊं तो जब भी आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्रिएट करनी होती हैं, ओके, अगर किसी एलिमेंट को आपको रिस्पॉन्सिव बनाना होता है तो वहाँ पे आप पिक्सल का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे आप यूज़ करते हो परसेंटेज का मतलब कि रिलेटिव यूनिट का, वहाँ पे आपको रिलेटिव यूनिट्स का यूज़ करना पड़ता है। ओके, अगर आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाना है तो अगर आप चाहते हो कि कोई एलिमेंट जो है हमेशा वैसा ही रहे, फिक्स रहे हमेशा, ओके, तो वहाँ पे आप एब्सोल्यूट यूनिट्स का यूज़ करोगे। अगर आप चाहते हो कि वो एलिमेंट फिक्स ना रहे, ओके, अच्छे से एडजस्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ स्क्रीन, तो वहाँ पे आपको रिलेटिव यूनिट्स का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिलेटिव यूनिट्स हैं, जैसे कि em है, ex है, ch है, rem है, vw है, vh है, ओके, vmin है, vmax है, परसेंटेज है। तो ये सारी की सारी क्या हैं, रिलेटिव यूनिट्स हैं। और ये डेटा भी मैंने W3 स्कूल से लिया है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इसको। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज़ को। ओके, प्रैक्टिकली करते हैं। अब इस चीज़ को हमने समझ लिया कि एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या हैं, रिलेटिव यूनिट्स क्या हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती, फिक्स रहती हैं, हमेशा उतना का उतना साइज लेती हैं जितना हमने डिफाइन किया होता है। और रिलेटिव वो होती हैं, रिलेटिव यूनिट्स वो होती हैं जो एडजस्ट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ स्क्रीन। ओके, और रिलेटिव यूनिट्स बहुत अच्छी होती हैं हमारे पास अगर हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाना हो या रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस को। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की मदद से भी, एब्सोल्यूट यूनिट्स की मदद से भी हम बना सकते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनानी है, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस, तो रिलेटिव यूनिट्स का यूज़ आप ज़्यादा कीजिए। ओके, अब प्रैक्टिकली करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं पिक्सल और परसेंटेज का डिफरेंस आपको बताऊंगा। तो ये रहा हमारे पास एक H1, ओके, इस H1 के अंदर मैंने लिखा है CSS यूनिट्स। अब इसको CSS देते हैं यहाँ पे, तो H1 कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका बड़ा करूंगा मैं, यहाँ पे मैं इसको दूंगा वैल्यू 600 पिक्सल, ओके, 600 पिक्सल एंड रिफ्रेश। ओके, तो अब आप देखेंगे अगर मैं अपनी स्क्रीन का साइज छोटा भी कर लूँ या बड़ा भी कर लूँ, तो हमेशा ये जो फंट है कितना साइज लेगा, 600 पिक्सल, बिकॉज पिक्सल जो है एक एब्सोल्यूट यूनिट है। ओके, और एब्सोल्यूट यूनिट फिक्स होती है, हमेशा उतना ही साइज लेती है जितना हमने डिफाइन किया होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं इस टैब को छोटा या बड़ा करूँ तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रोलिंग की ऑप्शन आ रही है, मतलब कि ये जो हमारा फंट है कितनी जगह ले रहा है, यहाँ पे 600 पिक्सल ले रहा है, पूरी की पूरी 600 पिक्सल जितनी हमने यहाँ पे डिफाइन की थी। चाहे आप इस फंट को फ़ोन में खोलो, चाहे डेस्कटॉप पे खोलो, ये हमेशा कितनी जगह लेगा, 600 पिक्सल। बट इन केस ऑफ परसेंटेज, अगर मैं यहाँ पे पिक्सल की जगह परसेंटेज लिखता हूँ, मतलब कि रिलेटिव यूनिट लगाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो ये फंट है, ओके, ये थोड़ा बहुत एडजस्ट होगा, थोड़ा बहुत ये स्केलेबल होगा, मतलब कि ओके। तो देखते हैं इसको, ये देखिए, ये थोड़ा बहुत स्केलेबल है, ओके, एडजस्ट हो रहा है ये अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ स्क्रीन। ओके, अगर मैं इसकी वैल्यू बड़ी करूं तो भी ये पूरी कोशिश करेगा एडजस्ट होने की। ओके, तो ये देखिए अभी भी ये क्या कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है एडजस्ट होने की हमारे वेब पेज के अंदर। तो ये फ़र्क है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का और रिलेटिव वैल्यू का। ओके, तो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, और बाय बाय, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय।